डिस्कशन सो इन द प्रीवियस सेशन diversification, and इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन एंड सो द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सपेंशन strategy इज द concept ऑफ strategic अलायंस ऑनेस्टली ये strategic अलायंस May 19 के पहले नहीं था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया था पहली बार इसलिए आईसीआई को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछ भी लिया ट माई पॉइंट जब भी कुछ नया आया तो आईसीआई छोड़ने का चांस ही नहीं है उसका तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इंपॉर्टेंट था उस पर क्वेश्चन आ भी चुका है अभी भी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए बट यू नेवर नो बिकॉज स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड टर्न राउंड स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के स्टेप्स जो है वो दोनों नए थे इसलिए आईसीआई उनके ऊपर काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है बट लास्ट दो चार अटेम्प्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो दोनों पार्ट को काफी डिटेल में कवर कर लिया है सो मे बी इज बीजर चांस दे विल फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन या स्टेबिलिटी तो स्ट्रेटेजी फोकस रखना चाहिए चलो इन योर मॉड्यूल्स मॉड्यूल फोर पॉइंट वन सिक्स एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक क्या है देखो ये बोलता है कि दो एंटिटीज है दोनों इंडिपेंडेंटली अच्छा काम कर रही है बट दोनों के कुछ नए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो इंडिविजुअली अचीव नहीं कर सकते एंड दे बिलीव इफ वी कम टुगेदर तो शायद ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पॉसिबल होगा हमारे लिए तब जाकर के वो साथ में आके काम करना चाहेंगे बट सुनो केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस दर इज अ डिफरेंस वो दोनों इंडिविजुअली अपना काम करते रहेगी सिर्फ साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आके उसको अलग से एग्जीक्यूट करेगी तो यू नो दे विल देट समॉर द स्ट्रेटेजिक बट इंडिविजुअली वो अपना बिजनेस अलग से रन करते ही रहेगा फॉर एग्जांपल स्टारबक्स अगर आप मुझे पूछेंगे यूएस में अलग से रन होता ही है टाटा का वहां पर कोई रेलिवेंस नहीं है बट टाटा अलॉन्ग विथ स्टाबक्स इन इंडिया रन डिफरेंट सेट ऑफ स्टोर्स ऑल टूगेदर सो स्ट्रेटेजिक अलायंस में इट्स मोर लाइक अ पार्टनरशिप फॉर अ डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव वन दे कम टूगेदर बट रिमेंबर वो इंडिविजुअली अपना इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस हमेशा मेंटेन करेगा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को हमेशा मेंटेन करेगा सर वाई डू वी गो फॉर स्ट्रेटेजिकलाइंस जब हमको लगता है इंडिविजुअली आप दोनों वो अचीव नहीं कर सकते हो जो आप कलेक्टिवली अचीव कर सकते हो दैट इज वेन यू गो फॉर स्ट्रैटेजिक अलाइंस और आजकल तो यह कल्चर बहुत इंप्रूव हो गया है और बहुत ज्यादा फेमस हो गया द रीजन बींग दोनों को लगता है इन दिस वर्ल्ड वेन सोशल मीडिया इज टेकन ओवर कंप्लीटली

आज के अंदर भी ये बहुत कॉमन है अभी भी ये चलता है स्ट्रेटेजिक अलायंस आइडियली सर स्ट्रेटेजिक अलायंस का फायदा क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस की लिमिटेशंस क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे अचीव कर सकते हैं ये सब हमको डिस्कस करने का है सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन योर मॉड्यूल्स फोर पॉइंट वन सिक्स अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसिस विच हेल्प्स अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक जो वो लोग इंडिविजुअली अचीव नहीं कर सकते हैं पॉइंट नंबर ए बहुत है कि सर ये एक तरीके का पार्टनरशिप है जहां दो या दो से ज्यादा बिजनेस साथ में आते हैं क्योंकि उनको लगता है दोनों साथ में मिलकर के कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं तो शायद इंडिविजुअली अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा इंपॉर्टेंट चीज देखना सर दे मेंटेन देअर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज मतलब मैं आपको बोला था वो इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस रन करते रहेगा बट एक प्रोजेक्ट के लिए एक वेंचर के लिए एक पार्टनरशिप के लिए साथ में आ रहा है बट उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन्ड ही रहेगा दे विल जस्ट शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर अफिक पार्टनरशिप दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कैन बॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलायंस सो फर्स्ट थ्री लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू डिफाइनिंग द वर्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है समझ में आया क्या

As well as sharing of knowledge and skills. So the main disadvantage is sharing. theek hai Number 2 sir, sharing of knowledge and skills can be problematic if they involve lot of trade secrets. अब आप बोलोगे, नहीं sir, ऐसा trade secrets तो कोई दूसरे का share नहीं कर सकता है। Agreements होते हैं, non-disclosure agreements, NDAs, समझ रहे होंगे। तो उसके बारे में point number two लिखा है, देखो मस्त। Agreements can be executed <coughs> to protect, but दे आर ओनली गुड जब तक सामने वाला पार्टी उसको फॉलो करना चाहता है समझ रहे हो मेरा बात बिल्कुल सही बात है एक्चुअली में नॉन डिस्कलोजर एग्रीमेंट्स रहते हैं पर अगर आपको सही में उसको ब्रेक करना है या उसको बाईपास करने का है आप कोई ना कोई स्मार्ट तरीका ढूंढ सकते हो एंड इन दिस वर्ल्ड वेयर मेटावर्स एग्जिस्ट करता है एनएफटी एग्जिस्ट करते हैं मेरे हिसाब से कोई कुछ भी कर सकता है किसी को पता भी नहीं चलेगा इट्स वेरी सिंपल लास्ट पॉइंट स्ट्रेटेजिक अलायसेज में ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव

क्या नो सो डिसएडवांटेजेस एप्सोटली क्लियर है एक मिनट के लिए स्पेंड करके पढ़ लो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफ ट्रेटेजिकलाइंस क्या है? मेरे को लगता है एडवांटेजेस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है डिसएडवांटेजेस थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंटें बनते हैं एग्जाम के लिए चलो एडवांटेजेस ऑफ चार एडवांटेजेस दिए उनको चारों को एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज सिंपल चीज है जब दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके काम करना चाहेंगे दिल गेट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर मतलब ऑब्वियसली ना हो सकता है दोनों के स्ट्रेंथ अलग अलग रहेंगे तो अगर एक का कोई वीकनेस जो दूसरे का स्ट्रेंथ रहेगा उसको सीखने को मिलेगा उसके बारे में सो सर ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ नॉलेज को अगर आप नेगेटिव तरीके दे से देख रहे तो पॉजिटिव भी है दोनों के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे का क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग करेंगे और कभी कभी हो सकता है ना एक बाहर का फॉरन ऑर्गेनाइजेशन है डू यू गेट माई पॉइंट इंडिया में वो किसी से कोलेबरेट कर रहा है ये आगे एक पॉइंट आएगा अलग से पॉलिटिकल लॉजिक करके बट इनडायरेक्टली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बहुत अच्छा है क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा मार्केट में समझ लो मेरा बात बट कोई ऐसा नया बिजनेस है जो उसने आज तक नहीं किया होगा यू गेट पॉइंट और दूसरा एक एवरेज नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इफ दे कम टुगेदर जिसका क्रेडिबिलिटी है उसकी वजह से पार्टनरशिप का क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाता है मार्केट में सिंपल ना एंटिटी इंडिया में टाटा से आकर पार्टनरशिप करता है क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली ऑन पेपर बिल्ड हो जाता है तो देखो नंबर वन स्ट्रेटेजिक अलाइंस विल हेल्प टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑप्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम ईच अदर सर दोनों एक दूसरे का प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे एंड सर अगर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेल नोन रहा रेस्पेक्टेड रहा इट विल आल्सो एड लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी टू द न्यू वेंचर न्यू वेंचर को लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉग ब्रांड नेम और रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन That's your organizational advantage. दूसरा economic advantage. Look at the word economic. That means ये बात करेगा economics of scale के बारे में अगर आप साथ में आकर के काम करेंगे obviously आप दोनों के strengths जब साथ में आकर काम करेंगे तो आपका शायद manufacturing cost per unit कम हो जाएगा आपका quality enhance हो जाएगा आप कम से कम price में better product बना पाएंगे और better product deliver कर पाएंगे That's your economic advantage. देखो it will help you to reduce cost and risk by distributing them across the

थर्ड चीज स्ट्रैटेजिक ना ये टाइम पास है ये बोलता है कभी कभी ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली आप कंपीट कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं बट आपको लगता है इंडिविजुअली कंपीट करने के बजाय बेटर फायदा मिलेगा इफ वी कोऑपरेट रादर देन जस्ट कंपीट विद ईच अदर मतलब स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है साथ में आके काम करना बेटर है रादर देन इंडिविजुअली रनिंग देर शो बिकॉज हमको लगता है शायद कॉम्पिटिट ज्यादा स्ट्रॉग है अकेले रन करने के वजह सातवें के काम किया तो शायद ज्यादा फायदा होगा देखो राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इन स्टेड ऑफ कंपीट कैन आई से विद दिस कोऑपरेशन दे विल बी एबल टू क्रिएट अ अटिव एडवांटेज बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज एंड स्किल्स कैन आई से दे विल गेट एक्सेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दे विल गेट एक्सेस ऑफ डिफरेंट स्किल्स ऑफ ईच अदर बॉटम लाइन ऊपर के दोनों पॉइंट्स है उसका फायदा थर्ड में मिलेगा स्ट्रैटेजी आपको लगता है सातवें के काम करना चाहिए रादर देन वर्किंग इंडिविजुअली और अलोन दैट्स योर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज

क्योंकि उन्होंने बोला अगर इस कंट्री में सर्वाइव करने का है तो हमारे नाम के साथ में हमारे से ही एसोसिएट होकर काम करना पड़ेगा अदर वे कोई चांस नहीं है तो ये तो एक्विजिशन में एक्साम्पल हो गया बट अलायंस इनडायरेक्टली एसोसिएट करेगा कि उस कंट्री का अगर लोकल बंदा रहेगा तो ही आपका प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे या तो ऐसे हुए गवर्नमेंट के कि आप उसके बिना आगे बढ़ी नहीं सकते हो देखो अलायंस आर विद अ लोकल सकतेन बिजनेस टू गेन एंट्री इन टू फॉरन मार्केट क्योंकि लोकल ऐसे प्री जुडाइस रहेंगे या लीगल बैरियर रहेंगे कि आप अकेले इंडिपेंडेंटली एंटर ही नहीं कर पाएंगे और सर कभी कभी इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर वहां का लोकल इन्फ्लुएंशियल लीडर जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर वो आपके साथ में आ जाएगा तो आपके अलायस का वैल्यू बढ़ जाएगा आपको एग्जाम्पल बिजनेसमैन आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय न्यूज चैनल डी यू गेट माई पॉइंट नॉट गो इन डिटेल आई होप यू अंडरस्टैंड दिस दीज आर योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ़ ऑफ स्ट्रेटेजिकल दो मिनट स्पेंड करो आराम से पढ़ो डेफिनेशन आना चाहिए चारों एडवांटेजेस के हेडिंग आने चाहिए अंदर का एक एक दो दो लाइन आना चाहिए और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स आने चाहिए पढ़ो उड़ाओ

अब यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिए एक बोलेगा टर्नराउंडी दूसरा बोलेगा सबसे पहला जो दिमाग में आएगा, वो टर्न है मतलब आप एज अ सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे थे यू हैव सीन गुड टाइम्स नाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन आपका परफॉर्मेंस डिटेर हो गया है खराब हो गया है आप ये जो फॉल आ रहा ना इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हो आप टर्न अराउंड लगाना चाहते हो ताकि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जो फॉल आया है इस फॉल को रिवर्स करके यू वॉन्ट टू गो बैक टू दैट सेम पोजिशन वेर यू आर डूंग गुड एज अ ऑर्गेनाइजेशन दिस स्ट्रैटी इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड स्ट्रैटी नॉट एजी स्ट्रैटी बट लॉट ऑफ कंपनीज हैर टूडे एक्सट्रीमली बिग जॉन्ट्स इन टूडेज वर्ल्ड एपल अपलाइड दिस Microsoft पे अलग फोकस करना कोर प्रोडक्ट पर दिमाग लगाना बाकी प्रोडक्ट्स को बंद कर देना कॉस्ट कटिंग करना सिग्निफिकेंटली मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेस बाईविच उन्होंने अपने आप पर टर्न अराउंड लगाया होगा और आज वो सेम पोजिशन से ग्रो करते हुए बहुत बड़े पोजिशन पे आए हैं तो सर रिट्रेंचमेंट मतलब स्कोप को रिड्यूस करना तीन तरीके हैं पहला टर्न अराउंड अगर टर्न अराउंड भी सक्सेसफुल ना हो तो आदमी जाता है डाइवेस्टमेंट के ऊपर डाइवेस्टमेंट का मतलब है लेट्स से एज ऑर्गेनाइजेशन यू हैव आउट ऑफ दी है आपको लगता है दो तीन ऐसे एसबीयूज है जो बिल्कुल लॉजिकल है ही नहीं कंटिन्यू करने के लिए उनको आप कंप्लीटली सेल ऑफ कर दो कंप्लीटली एग्जिट कर दो दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट तो पहले आप ट्राई करोगे कि जो मेजोरिटी बिजनेस है उनको रिटेन करेंगे टर्न अराउंड लगाएंगे और नहीं हुआ तो आप डाइवेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो या कभी कभी डाइवेस्टमेंट से पहले आपने ऑन पेपर टर्न अराउंड लगाया होगा और ऑन पेपर ही समझ में आ गया होगा टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है टर्न अराउंड करने के लिए पहले डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा रियल लाइफ में बुक में नहीं लिखा पर रियल लाइफ में कभी कभी आप पहले दो तीन प्रोडक्ट्स को एग्जिट कर देते हैं फिर बोलते हैं अब टर्न अराउंड करना शायद पॉसिबल होगा बिकॉज टर्न अराउंड के लिए भी पैसा लगता है और पैसा शायद डाइवेस्टमेंट के बाद में आ सकता है और सर अगर दोनों सक्सेसफुल ना हो तो लास्ट ऑप्शन जो कोई

लेट्स स्टार्ट विथ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है रिट्रेंचमेंट का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन सबस्टेंशली रिड्यूस करना चाहता है द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी तब वो सोचता है रिट्रेंचमेंट के बारे में रिट्रेंचमेंट में तीन ऑप्शन है पहला टर्न अराउंड जहां पर आप रिवर्स करना चाहते हो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन जब आपका डिक्लाइन शुरू हुआ था ना उसको ही अब रिवर्स करके आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई नॉर्मल पोजिशन दैट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड जब आपको लगता है नहीं सर टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है अब लगता है जो हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स है जो हमारे लॉस मेकिंग डिविजन है या एसबीयूस है उनको कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट लाइन को कर्टेल करना पड़ेगा कर्टेल करना पड़ेगा पड़ेगा मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा अभी तक हम दस प्रोडक्ट बेच रहे थे दस में से, से पांच पे फोकस करना है बाकी पांच को कंप्लीटली एग्जिट कर देने का है दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और सर जब पूरा बिजनेस ही बंद कर देने का है दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी यू वॉन्ट टू अबैंडन एवरीथिंग

एयर इंडिया के प्लेन्स ओवर स्टाफिंग हो रहा है, टर्न ओवर सिग्निफिकेंट बढ़ गया है, मतलब आई मीन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अनकम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स हो गए ऐसा लग रहा है मार्केट में आपको कॉम्पिटिशन में काउंट ही नहीं करते हैं बी एस एन एल लास्ट वन इज जमेंट मतलब कंप्लीटली लग रहा है कि बिजनेस रन हो रहा है बट सर इट लुक्स लाइक हम हर जगह ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट शेयर गेन नहीं हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होते जा रहा है इट इज ऑल इंडिकेटिंग दैट सर ओवरऑल वी नीड हैं स्ट्रॉन्ग अराउंड स्ट्रैटेजी नाउ सर टर्न अराउंड कैसे कर सकते हो उसके कुछ एलिमेंट्स दिए नंबर वन सबसे कॉमन जो है टॉप मैनेजमेंट को बदल दो क्योंकि हमको लगता है आज तक जो फॉल आया ना उसकी वजह से आए उसको बदल देना चाहिए फिर दूसरा चीज क्या बोलता है सर अब क्योंकि आपका प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन चल रहा है मतलब मार्केट में रेप्यूटेशन खराब है तो आपको इमीजिएटली आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ेगा देखो सिंपल चीज है बिजनेस का एक सिंपल रूल है अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है सर्वाइव करना है मार्केट में क्रेडिबिलिटी होना चाहिए If exist, तो वो टाटा का भी हो, हो फेल हो जाएगा कभी भी। तो आपको लेने पड़ेंगे। मतलब इस तरीके से लोगों का फेथ रीगेन करने का ट्राई करना पड़ेगा दैट ऑल्सो वी है टफ टाइम बट वी आर बैक डी यू गेट माई पॉइंट दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जैसे मैगी बैन कर दिया बाद में उन्होंने इमोशनल एंड सुनाए कि मैं वही मैगी हूं जो आप घर पर

क्विक कॉस्ट रिडक्शन कहीं पॉसिबल है तो रेवेन्यू जनरेट करने का ट्राई करेगा वो तो टाइम पास चीज है एसेट लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश सिमिलर या बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन सर अभी शायद हो सकता है मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम आया था तो एक काम करो ना ये एक जो एक्सेसिव लोग हैं उनको हटाओ लिमिटेड लोगों को रखो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन डेवलप करो एक स्ट्रॉन्ग हंड्रेड लोगों का टू हंड्रेड लोगों का टीम बनाओ जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हेल्प करने वाले हैं तो सर टर्न अराउंड कब चाहिए होता है उसका डेंजर साइन और टर्न अराउंड लगाने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दोनों चीजें आनी चाहिए स्पेंड टू मिनट्स मेरे को लगता है अगली बार जब क्वेश्चन आएगा टर्न अराउंड पे इन पे आएगा एक्शन प्लान ऑलरेडी आ चुका है एक्शन प्लान हैज बीन आस्ट आया था क्या पढ़ लो दोनों एक बार ठीक है कैन यू एक्शन प्लान नाउ पांच अलग अलग स्टेजेस है इसके अंदर स्टेज स्टेजेसाइव तो, देखो ऐसा कैसा रियल लाइफ में फॉलो करेंगे जरूरी नहीं है हर किसी का टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अलग तरीके से रहेगा बट स्टिल इनका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं सबसे पहले क्या बोलता है सबसे पहले इस सिचुएशन में क्यों पहुंचे उसका रूट कॉजे ढूंढो आइडेंटिफाई द मेन रीजन और द रूट कॉजेस ई यू नीड दिस मतलब यहाँ तक हमेशन खराबी क्यों हुआ? वो आइडेंटीफाई करना बहुत जरूरी मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है लोग टर्न अप्लाई करने के लिए टर्नराउंडफुलज वेरी क्लियर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट वेंट रॉन्ग देखो असमेंट ऑफ योर करेंट प्रॉब्लम दैट मीन यू शुड नो द रूट कॉजेस वाई द occurred in the organization at the

ंग मनी एवरी डे मतलब जब हम एक नया प्रोडक्ट बना के बेच रहे ना हमारा प्रोडक्ट का मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट सौ है मार्केट में बेच हम अस्सी रुपए मेरे ऑन एवरी न्यू प्रोडक्ट सोल्ड ऑन डेली बेसिस दिस इज एन एमरजेंसी सिचुएशन सबसे पहला चीज तो यह होना चाहिए भाई इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहिए बिकॉज एवरी डे अब तो ये उल्टा चीज सोचो ना रनिंग अजनेस इट से बिगर क्राइम टूडे लूजिंग मनी ऑन एवरी सिंगल यूनिट सोल्ड तो सबसे पहले जब आप एनालाइज कर रहे हो ना अब ये ढूंढोगे कि मेरे को इमरजेंसी प्लान क्या चाहिए मतलब इमीजिएटली क्या बंद करना चाहिए इमिजिएटली क्या स्टॉप कर देना चाहिए वो पता करना चाहिए मतलब क्रिटिकल सिचुएशन कहीं है क्या सर क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है सौ में बना रहे एक सौ एक में बेच रहे मार्जिन बिल्कुल नहीं है या सौ में बेच रहे ऑलमोस्ट ब्रेक में काम कर रहे ओके देन दर इज नो एमरजेंसी प्लान रिक्वायर्ड वट इज रिक्वायर्ड इज अस्ट्रेटेजिक प्लान कि अब इस सिचुएशन को रिवर्स अगर कर करना है तो हम धीरे धीरे कैसे करेंगे मतलब यहां पर हम प्रोडक्ट्स में क्या बदलाव लेके आएंगे प्राइसेस में क्या बदलाव लेकर के आएंगे मतलब एक्चुअली में क्या बदलाव करेंगे उसके बारे में प्लानिंग करेंगे दैट इज योर स्टेज नंबर टू एंड थ्री थर्ड वाले में उन्होंने इमरजेंसी प्लान के बारे में बात की है टू वाले में एक्चुअली सिचुएशन को एनालाइज करके एक प्लान को डिजाइन करने के लिए बोला है. देखो बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस डिटरमाइन चांसेस है क्या सर्वाइव करने के फिर एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाओ अपने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी ऑपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हुए लॉजिकली सोचो जितने रिसोर्स चाहिए वो है भी क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है टर्न अराउंड करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं है मैं आपको बोला तो शायद उसके लिए पहले डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा पैसा जनरेट करना पड़ेगा फिर टर्न अराउंड करना पड़ेगा पर यह भी पहले पेपर पर पे सोचना चाहिए डायवेस्टमेंट करके जो पैसा आएगा वो आखिरी पैसा भी टर्न अराउंड के लिए लगाना लॉजिकल है कि नहीं है टाइम्स मे बी इट्स बेटर टू एक्सिट अ बिजनेस राधर देन इन्वेस्टिंग फर्दर इन दैट बिजनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अकॉर्डिंगली डेवलप अ प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान कि कैसे इस सिचुएशन को इंप्रूव किया जाएगा थर्ड पॉइंट इसका ही पार्ट था उन्होंने अलग से लिखा है दैट इज इम्प्लीमेंटिंग एन एमरजेंसी एक्शन प्लान कभी कभी सिचुएशन अगर क्रिटिकल है बहुत ज्यादा तो एक अप्रोप्रिएट इमरजेंसी प्लान आपको लगाना पड़ेगा दैट मे इन्वॉल्व टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव स्टॉप द ब्लीडिंग का मतलब है एवरी डे वॉट एवर यू आर लूजिंग आपको उस एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा पहले शट डाउन करना पड़ेगा एग्जाम्पल बोलू क्या मैं एयरलाइंस अभी एयर इंडिया टाटा ने ऑफिशियली कंट्रोल ले लिया है अब उसको वो टर्न टर्नराउंड करने के बारे में सोचेंगे ऑब्वियसली टर्न राउंड के बारे में सोचेंगे सबसे पहले क्या करेंगे अभी एयर इंडिया अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे सेक्टर में प्लेन चलाता होगा फ्लाइट रन कर रहा होगा जो सेक्टर प्रॉफिटेबल थे ही नहीं बट क्योंकि एयर इंडिया है, कौन दिमाग लगा रहा है डू यू गेट माई पॉइंट सबसे पहले तो सेक्टर में फ्लाइट से बंद करेगा क्योंकि वो बोल रहा है इमिडिएटली वहां पैसा डूबा के फायदा क्या है डू यू गेट माई पॉइंट हाँ वही प्लेन्स को मैं बेटर इस्तेमाल करूंगा उन सेक्टर्स में जहां पर शायद प्रॉफिटेबल तरीके से बाकी लोग रन कर रहे हैं और हमें ही नहीं फिर सर एयर इंडिया फेमस क्यों है ज्यादा बैगेज फैसिलिटी देने के लिए फूड देने के लिए आप उसके वजह से वैसा लूज कर रहे हो डू यू गेट माई पॉइंट हमको सोचना चाहिए ना हमें क्या करना आई एम नॉट दे विल विल डू दिस आई एम ट्राइंग टू से थिंक ऑफ सेटन एक्टिविटीज जिससे इस चीज को पॉज किया जाए दैट कैन बी योर इमरजेंसी प्लान यहां पर इतना इमरजेंसी प्लान का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ मनी तो उनके पास में ऑप्शन है टर्न अराउंड करने का विदाउट डाइवेस्टिंग एनीथिंग दे मे जस्ट पुट इन मोर मनी एंड रिटर्न अराउंड इट दैट्स योर इंप्लीमेंटिंग है टर्नराउंड के लिए इमरजेंसी प्लान नंबर फोर में आओ दिस इज योर एक्चुअल टर्नराउंड प्लान दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस बाजू में दो वर्ड लिख लो प्रोडक्ट एंड पीपल मिक्स प्रोडक्ट एंड पीपल मिक्स देखो सजेस्टेड आंसर के अंदर तो पॉइंट नंबर ए और बी लिखा है

ओवर हाइरिंग यू मे है जिनको रखेंगे उनको भी ना ऐसा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड रखने के लिए रिवॉर्ड मैके देने का दोनो हैव एनी नाइन टू सिक्स टाइमिंग नाउ देर हियर टू एंश्योर दट दंपनी सर्वाइव एंड इफ इट सर्वाइव यू विल बेक होल्डर डी यू गेट माई पॉइंट तो उस तरीके का मेकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा उस तरीके का रिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो ये बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है. देखो क्या बोलता है फ द कोर बिजनेस आई डोंट थिंक दिस पॉइंट वॉज रिक्वायर्ड बट आपके आंसर में आएगा इफ द कोर बिजनेस इज इर रिपेरेबली डैमेज मतलब आउटलुक बहुत ही खराब लग रहा है अरे तुम्हें पॉइंट फोर में आएगा क्यों अगर इतना खराब लग रहा है इतना इर रिपेरेबल हो गया है वाई वुड आई वॉन्ट टू रिस्ट्रक्चर आर अंडस्टरस्टिंग माई पॉइंट आई विल नॉट इवन थिंक अब टर्न आई विल थिंक अब डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन डायरेक्टली कौन बताए इनको जाने दो सर ड्यूरिंग टर्न अराउंड आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़ेगा मतलब फोकस करना पड़ेगा वहां पर जहां पर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है साथ साथ में पीपल मिक्स भी चेंज करना पड़ेगा दैट मीन सिर्फ आपका कॉम्पिटेटिव इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए कॉम्पनसेशन सिस्टम बनाओ एनकरेज करो डेडिकेटेड क्रिएटिव लोगों को साथ में रखो ताकि आपको वो लोग टर्न अराउंड करके बेटर पोजिशन पे लेके जा सकते हैं तो पीपल मिक्स चेंज करना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना एक्चुअली में रिस्ट्रक्चरिंग है बट वो क्या बोलता है पॉइंट नंबर बी फिर देखो ऑर्गेनाइजेशन का कोर बिस, कोर बेस बिजनेस फोकस करो टाइम पास बात बोल रहा जो है है एक्चुअल जो वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने और पीपल मिक्स चेंज करने के अंदर होता है आपको दोनों चीज लिखने के एग्जाम में यू शुड राइट बोथ एंड लास्ट पॉइंट रिटर्निंग टू नॉर्मल ये सब करने के बाद सिचुएशन इंप्रूव हो गया और इंप्रूव हो गया तो डोंट यू थिंक अब आप चाहोगे ये अच्छा रिटर्न्स मिलना शुरू हो गया है अब यहां से धीरे-धीरे बिल्ड करके एक्सपेंशन की तरफ जाओगे देखो फाइनल स्टेज ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेटर आरओआई एंड धीरे-धीरे इकोनॉमिक वैल्यूएशन बढ़ना शुरू हो जाएगा दैट्स योर स्टेज नंबर फाइव एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी स्पेंड 2 मिनट्स एक बार आराम से पढ़ो

या सर कुछ एंटिटीज या कुछ बिजनेसिस हमें नेगेटिव कैश फ्लो दे रहे हैं दे आर लॉस मेकिंग यूनिट डेक सेंस एट ऑल लेट्स या सर आपको लगता है वो पैसा बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और इन्वेस्ट करने का तो आप वहां इन्वेस्ट करना चाहोगे या आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था एक नया कॉम्प्यूटर एंटर हुआ जिसे सब डिस्टर्ब कर दिया

इट कैन बी ए डिविजन और इट कैन बी अस बी यू सर डाइवेस्टमेंट कब अडॉप्ट करना चाहोगे क्या क्या रीजन है अगले पेज पे आओ 4.21 इंपॉर्टेंट मार्क करना अगर आपको लगता है जिस कंपनी को आपने आपनेक्वायर किया वो एक मिसमैच है और आपके बिजनेस से इंटीग्रेट नहीं हो सकता है तो आप डाइवेस्टमेंट करना चाहेंगे या सर आपको नेगेटिव कैश फ्लोस मिल रहा है रेगुलरली आपको लगता है इट डजेंट मेक सेंस टू कंटिन्यू विद दिस बिजनेस यू मे एग्जिट सर बहुत सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन है आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे हो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दिस एंड गिव अप समझ मेरा बात या सर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए बहुत पैसा लगने वाला है और अगर मुझे सर्वाइव करना है और मुझे लगता है इतना पैसा इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है इससे बेटर ऑप्शन रहेगा और सर लास्ट चीज जो सबसे कॉमन है आपको कोई बेटर ऑल्टरनेटिव दिखता है इन्वेस्टमेंट के लिए जहां पर आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है तो आप यहां से पैसा निकालेंगे और नई जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क के लिए काफी बार पूछा है इसी आई ने इन द लाइक दिस क्वेश्चन

क्लोजिंग डाउन द फॉर्म एंड सेलिंग इट्स एंटायर एसेट्स इट्स द लास्ट रिजॉर्ट इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर नहीं बसता है तो आपको लिक्विडेशन के लिए जाना चाहिए एक लाइन को माक कर लेना पॉइंट नंबर ई लिक्विडेशन मे बी अनप्लेजेंट एज अल्टरनेटिव बट वेन अ डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अव इट इज अ गुड प्रोपोजिशन आई टोल्ड यू इफ यू आर यू नो लूजिंग मनी बाय डूइंग बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस देन इट मे मेक मोर सेंस टू जस्ट एग्जिट दिस टेकआउट एज मच एज पॉसिबल एंड गेट स्टार्ट विथ समथिंग न्यू ये जो रीजन दिए ना फॉर रिट्रेंचमेंट एंड टर्न अराउंड ये हेडिंग में आंसर देखो मैच होता है देखो मिसमैच नेगेटिव कैश फ्लो कॉम्पिटिशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बेटर बेट्रोल्टेटिव मैच हो रहे हैं सारे पॉइंट्स तो एग्जाम में चाहे डाइवर्समेंट के रीजन पूछे चाहे रिट्रेंचमेंट के पूछे चाहे टर्न अराउंड के पूछे आंसर सेम है ठीक है नाउ कम्स द लास्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी सर सिंपल है ना यार हमारे पास में इतना बड़ा बिजनेस है मल्टीपल एसबीयू है जरूरी थोड़ी है हर एसबीयू के लिए एक्सपेंशन सही है किसी एक के लिए स्टेबिलिटी सही रहेगा किसी एक के लिए एक्सपेंशन सही रहेगा किसी एक के लिए टर्नराउन और किसी एक के लिए डाइवेस्टमेंट

बहुत ओपन एंडेड बिजनेस एनवायरमेंट में काम करता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन पूरे एनवायरमेंट में हर अलग अलग बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है आपको हर बिजनेस के लिए अलग डिसीजन लेना पड़ेगा देखो दे आर कम्पोज ऑफ डिफरेंट बिजनेसिस एंड दे हैव टू मेक डिफरेंट फॉर एवरी बिजनेस दैट इज यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रैटेजी दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी हम पढ़ के आ रहे थे चैप्टर नंबर फोर दैट इज योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इसका दूसरा नाम क्या है ग्रैंड स्ट्रैटेजी और बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या क्या इसमें सर स्टेबिलिटी एक्सपेंशन और ग्रोथ तीसरा रिटरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया रिवाइज कर लिया है, आराम से स्पेंड फिनिश दिस ऑफ वंस अगेन जब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी निकाल के डिस्कस कर लेंगे अवी गुड ऑल फॉर चैप्टर बिफोर थैंक यू ग्रेट डे